आओ बच्चों, ये राय साहब है हमारे, मिलिए सर से। ये सारे बच्चे हैं बच्चों, ये वुमेन्स क्रिकेट टीम की सिलेक्शन करते हैं, मगर तुम्हारे लिए मिस्टर रॉय है। इन्होंने स्कूल का नाम काफी रोशन किया है। ये सिर्फ खेलने में ही बहुत अच्छे नहीं थे बल्कि पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छे थे। स्कूल के अंदर जितनी तुमने ट्रॉफीज देखी है ना, आधी से ज्यादा इन्हीं की बदौलत हमें मिली है। ये किसी मकसद से यहाँ आए, जानते हो वो मकसद क्या है? ये तुम्हें क्रिकेट सिखाएंगे। तुम्हारी कोच को इन्होंने क्रिकेट सिखाया है, मतलब तुम्हारे कोच के ये कोच रह चुके हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके साथ क्रिकेट खेलते हुए तुम क्रिकेट को बहुत अच्छा सीख जाओगे। लेकिन सर, हमारी कुछ तमन्ना मैडम है, फिर अचानक से ये सब, मतलब आप हमें नहीं सिखाएंगे? बशीर, बस ऐसा समझ लो कि मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा मैच आ गया है बीच में। और सिर्फ मुझे ही उसे खेलकर जीतना होगा। लेकिन मैं तुम लोगों का नुकसान नहीं होने दूंगी। तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू रहेगी, इसलिए तो मैंने रॉय सर को बुलाया। मेरे गुरु हैं वो, बहुत कुछ सीखा है मैंने आज तक उनसे, अभी भी सीख रही हूँ। और अगर तुम लोगों को उनसे कुछ सीखने का मौका मिल रहा है तो तुम लोगों को उसका फायदा उठाना चाहिए। वो जो कुछ भी कहेंगे, जो कुछ भी बताएंगे, ध्यान से सुन लेना। मन में जो कुछ भी सवाल हो बेझिझक उनसे पूछ लेना। और जो जवाब वो देंगे उनसे तुम बहुत कुछ सीखोगे। और मैं आ रही हूं ना वापस, लेकिन जब मैं वापस आऊंगी ना तो मुझे एक प्रोफेशनल टीम दिखनी चाहिए, एकदम प्रोफेशनल। कर लोगे ना? जी मैडम। अरे समझ लो, टास्क है हमारे सामने, कर लेंगे पूरा, कर लेंगे ना? जी मैडम। तो राय, संभालो अपनी टीम को। उधर तुम चलो, छुट्टी के एप्लीकेशन में साइन करने होंगे। सर मैं आती हूँ, आप चलिए। See you later. राय सर, मैं बच्चों को थोड़ा प्रैक्टिस में ले जाता हूँ। जी अरे बैक टू प्रैक्टिस, चलो चलो बच्चों आ जाओ। ओके। रॉय सर आए, बात अच्छी है, कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ ये तो है, लेकिन धरा मैम हम सबको छोड़ के जा क्यों रही है? पर वो कहाँ जा रही है? और वो वापस तो आएंगी ना? क्यों नहीं आएंगी, मैडम ने बोला तो है कि वापस आएंगी। और वो बस कुछ ही दिन के लिए तो जा रही है। हाँ लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है उनको कुछ काम हो, भगवान करे उनके साथ कुछ बुरा ना हो और वो जल्दी से हमारे साथ वापस आ जाए। और कोई इजाज़त या मैं जाऊँ अपने काम पे लगूँ? पता है सर, जब भी कोई मुश्किल फैसला लेने की घड़ी आई ना, हमेशा मैंने पापा को फोन किया। लेकिन आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर से सांस लेने में तकलीफ होनी है उन्हें, तो इस बार उन्हें कुछ नहीं बताया। और वैसे भी कब तक मैं अपनी परेशानियां उनके सर पे डालती रहूंगी? अब मेरे फैसले मुझे खुद करने हैं, किसी को शामिल नहीं करना उनमें। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर, बिल्कुल भी बदली नहीं हो। अब तक जिस तरह से सारी परेशानियों का सामना करते हुए तुम यहां तक पहुंची, वैसे भी आगे मुश्किलों से लड़ते हुए तुम जीतोगी चैंपियन की तरह। सर एक बात बताओ, आपकी ये जो प्रेजेंस है ना मेरी लाइफ में, वही कॉन्फिडेंस बढ़ाती है मेरा। इसीलिए तो इस बार पापा को फोन नहीं किया,
अरे बाप रे, तुम रुला के छोड़ोगी? प्लीज मैं जाऊँ अपना काम करूँ? बहुत दिनों से मैंने कोच नहीं किया किसी को, आई एम गेटिंग इंपेशेंट। मैं कैन आई? जी सर, एक मिनट, आप रात में क्या खाना पसंद करेंगे? खाना? अरे सर, सर मैं जब पापा यहाँ पे आए थे ना, तो उन्हीं से भी यही सवाल पूछती थी, तो आप बताइए आपको रात में क्या खाना है? पापा की तरह जैसे कुछ भी बना देती होगी, ऐसे मेरे लिए बना दो, मैं खा लूंगा। आया चलो, अभी अपने अपने काम पे लगे हैं, तुम जाओ अपना वो क्या साइन करना है प्रिंसिपल साहब करे, तू साइन करो, मैं अपना काम करता हूँ। ओके ठीक। गॉड ब्लेस यू। लगता है ये केस जीत पाएंगे? वकालत में इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, मुझे अंधा विश्वास है इन पर। और इस अंधे विश्वास की कोई खास वजह है? उनकी पैरवी और सामने वाले की खाल निकाल लेना, इस हुनर में ये माहिर है। और इनकी एक और खूबी है कि अपनी जुबान और इरादे के बहुत पक्के हैं, एक बार जो तय कर लें उस अंजाम तक पहुंचाकर ही रहते हैं, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये है मेरे विश्वास की वजह। आपकी बातों से मेरी हिम्मत तो बढ़ रही है, पर एक बार कम से कम उनसे पूछ तो लीजिए कि वो क्या सोच रहे हैं इस केस के बारे में। सामने वाला वकील जो सवाल करेगा, उनके जवाब भी हमारे पास होने चाहिए ना, हमारे साइड से हमारी तैयारी तो होनी चाहिए। ये जो सबूत पेश करेगा, उनके लिए हमारे पास तो कुछ तो तैयार चाहिए, है ना? क्या सोचा आपने, ये केस कैसे लड़ेंगे? मुझे क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम वो करो जो तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अपने पार्टी ऑफिस में जाओ और उन बेवकूफों के कान के नीचे दो बजाओ, उनसे पूछो कि उनकी इस हरकत की वजह से माँ बेटी किस स्थिति में आ गई है, उन्हें इस बात का अंदाजा भी है? राजनीति के चक्कर में जननीति का गला घोट रहे हैं ये जनसेवक। अरे जनता को खत्म करने वाली दीमक पाल रहे हैं। मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है। एक एक मिनट, एक मिनट। प्रकाश जी, देखिए जो होना था वो हो गया, अब आप मुझे ये बताइए कि ये केस जीतने के चांसेस कितने हैं? जीतने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि मैं जीत की तरफ पहला कदम बढ़ा चुका हूं। शराब छोड़ने का फैसला कर लिया है मैंने, कठिन जरूर है पर मैं लड़ूंगा। अगर मैं जीत गया तो यह तय है कि तुम्हारे केस का युद्ध भी मैं जरूर जीतूंगा। कोई भी लड़ाई जीतने के लिए आवाज और इरादे दोनों बुलंद होने चाहिए। तुम टीम के कैप्टन हो, तुम हिचकिचाओगे तो मैच हाथ से निकल जाएगा। इस टीम में कौन बैट्समैन है, कौन बॉलर है, कौन कैसा खेलता है, सब मैंने मिश्रा जी से जान लिया है, लेकिन ये बात जरूरी नहीं है। जरूरी है आपसी तालमेल। कोई भी एक प्लेयर हमेशा मैच को जिता नहीं सकता है, हर प्लेयर को टीम के साथ खेलना होता है। और मैंने ही मिश्रा जी से कहा है कि सारे पुराने शील्ड्स, मेडल्स और कप्स किसी स्टोर रूम में बंद कर दिए जाएं, उनको भूल जाया जाए। वो सारी पुरानी बातें हुई, अब वक्त हो गया है कि नए शील्ड्स जीते जाए, नई ट्रॉफी, नए कप्स जीते जाए जो तुम लोग जीत के लाओगे। टूर्नामेंट की डेट अनाउंस हो चुकी है, हमारे हाथ में 7 महीने हैं, बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और इन 7 महीनों में मैं आप लोगों को वो सारी चीजें सिखाऊंगा जो आप लोगों को चैंपियन बना सकती है। आप लोगों को सिर्फ अपने खेल पर ध्यान देना है। मेरे यहां आने का सिर्फ एक ही मकसद है, उस ट्रॉफी को जीतना। मैंने अगर ठान लिया और ट्रॉफी ना आए, ये हो नहीं सकता।
तो बेस्ट ऑफ लक गाइस। कोई सवाल? सर वो मैदान कैसे होंगे जहां हम खेलने जाएंगे? ऐसे ही हर विकेट? सर हम तो कभी असली पिच पर खेले नहीं है, तो वहां कैसे खेल पाएंगे हम? सर बाकी टीमों के पास अच्छे पैड्स और बैट होंगे। सर हम कहां से लाएंगे अच्छे पैड और बैट्स? एक मिनट, आप लोगों के सारे सवाल जायज हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटे सवाल हैं, इनका हार जीत से कोई लेना देना नहीं। ये हार जीत तो खेल से होती है भाई। यहां हमें इस खेल को पहले अपने दिमाग में खेलना होगा, इस खेल को हमें अपने दिमाग के अंदर पहले उसे जीतना होगा, ये मानना होगा कि हम जीत चुके हैं, क्योंकि क्रिकेट एक माइंड गेम है, सब यहां से होता है। उनके पास अगर अच्छे बैट हैं तो हुआ करें, क्या फर्क पड़ता है। हम ऐसे बॉलर पैदा करेंगे जो उनको बैट को चीरते हुए सीधे स्टंप को उखाड़ते हैं। और रही पिच की बात, अरे पिच की चिंता छोड़ो भाई, अगर आप लोग इस पिच पे खेल लेते हो मिश्रा जी, तब तो दुनिया की किसी भी पिच पे जाके ये लोग खेल सकते हैं। बिल्कुल, अगली टीम का छक्का छुड़ा सकते हैं। तुम लोग उस शहर से हो जहां हर घर में किसी रूप में किसी न किसी बहाने क्रिकेट बसता है। हर मोहल्ले में यहां पर एक चैंपियन है, हर घर में एक चैंपियन, तो तुम लोग चैंपियन हो कि नहीं? जी सर। अरे आवाज नहीं सुनाई दे रही, हो कि नहीं? जी सर, चैंपियन है। शाबाश। आप लोगों की कोताही की वजह से आज उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मेरे आगाह करने के बावजूद भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया, तब उसे रोक लिया होता तो आज जरा को इतनी परेशानी में नहीं पड़ना पड़ता। किसी को भी मेहमान बना लिया और उसके इरादों की खोज खबर किए बिना अपना ही घर पकवा लिया। आज जरा के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उस मिहिर की वजह से हो रहा है। उसको पार्टी ऑफिस ने या बुलंदगंज भेजा था हमें और हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए। विश्वासघात हुआ हमारे साथ, तभी मैं उसकी इतनी इंक्वायरी कर रहा था, लेकिन मुझे भाई जी का फरमान सुनाकर चुप करा दिया गया। एहसास भी है आपको कि उस पर क्या बीत रही है? अरे वो अपनी बेटी खो सकती है आप लोगों की वजह से। अब चुप क्यों है? साफ सुन गया क्या? पहले अपनी आवाज नीची करो संजय। तुम तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे तुम्हारा अपना घर परिवार का मामला है। देखो संजय, तुम पार्टी के कार्यकर्ता हो और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सिर्फ और सिर्फ पार्टी के हित के लिए सोचो। और तुम ये कब से दूसरों की जिंदगी में दिलचस्पी लेने लगे, कब से? वर्मा जी, बात को जो आप दिशा देना चाह रहे हो अच्छी तरह समझ रहा हूँ। फालतू में बातों को मत खींचिए, वरना मैं ना जाने क्या क्या खींच डालूंगा। और वैसे भी आपके फालतू सवालों के जवाब देने में मैं अपनी ताकत जाया नहीं करना चाहता, पर सच का साथ देने में संजय सिंह अपनी पूरी ताकत लगा देगा। इसमें ना आपको कोई शक होना चाहिए ना ही पार्टी को। फिर उस सच और संजय के बीच पार्टी ही क्यों ना आ जाए, संजय सीना ठोक कर सबका सामना करेगा। चलिए आज के लिए इतनी प्रैक्टिस काफी है, जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिस भी ठीक नहीं है। अच्छा आप लोग मुझे ये बताइए, बैट्समैन कौन होता है, उसका क्या काम होता है? उसमें पता क्या करना है सर, बॉल आए तो ठोक दो शॉट, भेज दो बाउंड्री के बाहर। हर बॉल को इस तरह बाउंड्री के बाहर ठोकने की बात करोगे तो सबसे पहले खुद पवेलियन के बाहर हो जाओगे। एक बात समझना बहुत जरूरी है, बैट्समैन के लिए सबसे बड़ी चीज है पेशेंस। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, प्यार से आराम से आखिरी मौके तक बैट्समैन की नजर बॉल पर होनी चाहिए। जब तक बॉल बैट पर आए तब तक बैट्समैन को पता होना चाहिए कि बॉल कहां जा रही है, बॉल उसे नजर आनी चाहिए। उसके बाद आता है फुटवर्क और उसके बाद आता है टाइमिंग। इन तीनों में से कोई भी चीज अगर आगे पीछे हो जाए, इनका तालमेल ठीक से ना बैठे तो बैट्समैन ज्यादा देर तक पिच पे नहीं टिका रह सकता। तुम मुझे ये बताओ, तुमने अभी एक शॉट मारा जिस पे तुमने बहुत जोर लगाया और बॉल सिर्फ हवा में बहुत ऊपर तक उछली लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाई, ऐसा क्यों हुआ? वो मेरी टाइमिंग थोड़ी खराब हो गई थी और मैंने शॉट थोड़ा जल्दी खेल दिया था। और टाइमिंग कैसे ठीक होगी ये कौन बताएगा?
मैं आप लोगों को कुछ राज की बातें बताऊंगा, मैं आप लोगों को कुछ खास टिप्स दूंगा। सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि जब भी आप शॉट मारे बल्ले के बीच से उस शॉट को मारना चाहिए, इस एरिया से। सबसे ज्यादा पंच बल्ले के बीच में होता है। तो आप लोगों की यही कोशिश होनी चाहिए कि जितना हो सके शॉट आप यहां से खेलें। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने देखा होगा कभी बैट्समैन को खेलते हुए, कभी कभी बॉल आती है तो आगे जाके मारता है, कभी वो बॉल को पीछे जाके मारता है, ये क्यों होता है? मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, जब भी बॉलर बॉल डाल रहा होता है तब बैट्समैन की नजर बॉलर के उस हाथ पर होनी चाहिए जिस हाथ से वो बॉल फेंकने वाला है, और बॉल उसके हाथ से छूटे उसी वक्त बैट्समैन को यह मालूम होना चाहिए कि बॉल कहां पर आकर गिरेगी, बॉल का सबसे पहला टप्पा कहां पड़ेगा। अगर बॉल आपसे बहुत आगे गिरती है तो आपने क्रीज में पीछे आना है, अपने लिए जगह बनानी है और शॉट को खेलना है। थैंक यू प्रकाश जी, आज आपने ये काला कोट निकाला मेरे लिए। मेरा केस लड़ने का फैसला बहुत बड़ी मदद है मेरे लिए। थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए था रा, कि मुझ जैसे हारे हुए इंसान को तुमने जीतने का मौका दिया है। बहुत खूबसूरत है आपकी बीवी। हाँ, खूबसूरत भी और साथ में अच्छी इंसान भी, पर मैं ही ना कह रहा था, हार गया था सब कुछ और साथ में हार गया था मेरा बेटा भी। ना तो मैं अच्छा पिता बन पाया, ना अच्छा पति। पत्नी के जाने का ऐसा सदमा लगा कि मैं ये भूल ही गया कि वो जाने के बाद एक औलाद को मेरे पास छोड़ कर गई है। पर मैंने शराब के नशे में मैंने उसे लावारिस बना दिया और अनाथ भी। कैसी बातें कर रहे प्रकाश जी? संजय ने उसे संभाला बेटे की तरह, पर माँ बाप की कमी तो पूरी नहीं कर सकता ना, इसीलिए वो खोया खोया सा रहता था, सेमा सा। पर जब से वीर तुमसे मिला है धरा, तब से उसकी आंखों में चमक देखी है मैंने, वही खुशी जो उसकी माँ के पास रहते हुए महसूस करता था। तुमने उसे बहुत हिम्मत दी है, हौसला दिया है, और वो अपनी कमियों को भी नजरअंदाज करने लगा है। उसकी खुशी को देखकर बहुत सुकून मिलता है। थैंक यू धरा, मेरे वीर को संभालने के लिए। अरे इन बातों में हम फीस की बात करना तो भूल ही गए। हाँ तो बताइए ना, कितनी फीस लेंगे आप? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, बल्कि कहूँ तो एक एहसान करना होगा। एहसान? मैं, अच्छा मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ मैं जरूर करूँगी, बताइए। यदि मैं तुम्हारा केस जीत गया तो वादा करो कि संजय की अदालत में तुम मेरा केस लड़ोगे। जी मैं कुछ समझी नहीं, कौन सा केस? धरा मैं संजय का गुनाहगार हूँ, अपने बेटे वीर का गुनाहगार हूँ, पर जो कुछ भी मैंने किया वो शराब के नशे में किया, बेहोशी की हालत में किया, अपनी पत्नी को खोया, बेटे को खोया, संजय के पैसों पे जीता रहा, उसे भला बुरा कहता रहा। मेरी पत्नी चली गई, उससे माफी तक नहीं मांग पाया। आज यदि संजय मुझे माफ कर देगा तो मैं समझूंगा कि मेरी पत्नी ने मुझे माफ कर दिया। इसलिए धरा प्लीज, क्या तुम संजय से मुझे माफ करने के लिए कहोगे? अरे प्रकाश जी, संजय दिल के सख्त है लेकिन बहुत अच्छे इंसान है। आपने शराब छोड़ दी है, आपको अपनी गलती का एहसास भी है, आप अगर उनसे माफी मांगोगे तो वो आपको जरूर माफ करेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे।
मैं वादा करता हूँ कि मैं बदलूंगा, पर बदले में तुम भी मुझसे वादा करो कि केस जीतने के बाद संजय से मुझे माफ करने की गुजारिश करो। मैं कोशिश जरूर करूंगी, मगर वो मानेंगे इसकी गारंटी नहीं दे सकती। संजय तुम्हारी बात टाल ही नहीं सकता, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।